नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेआर और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आज देश भर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है और जन्माष्टमी की धूम है। भगवान श्री कृष्ण व्यापक हैं, सर्वाकार हैं और आज एक विचार कि कौन है कृष्ण, जिस तरह दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण की नीतियों, उनके शासन, उनके प्रशासन, उनके समाज नीति नियमों के व्यवस्था के सर्वोच्च रूप को गढ़ने वाले भगवान श्री कृष्ण क्यों इतने व्यापक हैं और क्यों जब लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके ही होकर रह जाते हैं। चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो और चाहे राजनीति हो, क्यों हर जगह भगवान श्री कृष्ण की नीतियों का डंका है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है इस लीला धर्म में और शायद यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण लगातार लोगों के मन से लेकर कर्म तक व्यापक होते जाते हैं और उनकी इस व्यापकता की धूम पूरी दुनिया में उनके भक्तों के बीच दिखाई देती है। जन्माष्टमी केवल एक दिन है लेकिन लगातार भगवान श्री कृष्ण के भक्त राधे राधे से लेकर श्री कृष्णा तक, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, अमेरिका, यूरोप, सब जगह जब ये गूंज उठती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सच्चे अर्थों में भगवान श्री कृष्ण ही इस दुनिया के वो लोकनायक हैं, वो महानायक हैं, वो अद्भुत विलक्षण शक्ति हैं जो प्रत्येक मन को जो जो उनको समझना चाहता है उनमें इतना लीन तल्लीन हो जाता है कि फिर नजर आता है तो भगवान श्री कृष्ण सारे समाधान के रूप में, भगवान श्री कृष्ण पूरे देश में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है और इसी पर एक विचार कि क्या है कृष्ण। श्री कृष्ण सच्चे अर्थों में लोकनायक हैं और एक ऐसा विचार जो शासन, प्रशासन, धर्म, राजनीति, समाज, नियमों, व्यवस्थाओं को सर्वोच्च रूप में गढ़ता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में दुनिया भर के करोड़ों लोग जब उनको थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं तो डूब कर रह जाते हैं और इस तरह डूबते हैं कि फिर शायद ही उनसे निकलना मुश्किल है और कहीं ना कहीं ये मोक्ष या स्वयं को पहचानने का एक ऐसा मार्ग जो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के रूप में दुनिया भर में विख्यात और हर एक मन में कृष्ण भक्ति के भाव से सारी दुनिया सराबोर है और कृष्ण की लीलाओं में रची बसी अपने देश से निकलकर वृंदावन और भारत के कृष्ण धाम जहाँ जहाँ हैं वहाँ गलियों में कृष्णा कृष्णा करते घूम रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बहुत एक ऐसा बड़ा विचार है जिसको लोग आज भी समझना चाहते हैं, उनकी नीतियों का महत्व लोग समझना चाहते हैं और कहीं उनकी नीतियों में जीवन का एक समाधान है। मंदिर से लेकर घरों तक आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है और जन्माष्टमी रोजाना है क्योंकि कृष्ण की भक्ति कभी कम नहीं, लगातार बढ़ती ही जाती है। और इसी
भक्ति में लीन। दुनिया के बड़े बड़े लोग भक्ति में लीन। हमारे साथ इस समय क्या है कृष्ण, मैं मेहमान के रूप में विचार के लिए जुड़ चुके हैं आईपीएस सुनीता मीना। सुनीता जी स्वागत है आपका एमकेएन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी आपके हाथ में निर्भया स्क्वाड की कमान है और आप जो देखती हैं महसूस करती हैं, आज जन्माष्टमी है, एक विचार हमने प्रकट किया कि क्या है कृष्ण, आपके मन के कृष्ण क्या कहते हैं जब आप उनको नीतियों के रूप में, अनुशासन के रूप में, शासन के रूप में देखती हैं। तो मेरा कहना ये है कि मैं एडिशनल डीसीपी सुनीता मीना, आज जो कृष्ण का पर्व है, कृष्ण का अवतार आज जो 12 बजे होने वाला है जी, ये सच बात है। शास्त्रों में जो लिखा है बहुत सही है कि जब जब इस दुनिया में जुर्म बढ़े हैं तो ईश्वर ने एक अवतार लिया है, तो कृष्ण ने जब जब अवतार लिया है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को खत्म किया है, निस्तनाबूत किया है। उसी प्रकार से हमारी निर्भया स्क्वाड भी जो है वो एक कृष्ण का ही रूप लेके आई है। जिस प्रकार से कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी, उसके सिर हरण के को रोक कर उसके अपमान का बदला लेने के लिए उसके साथ में हमेशा तैयार रहे थे, वैसे ही हमारी निर्भया हर महिला हर बालिका के साथ में कदम से कदम बढ़ाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। बस तो जरूरत इस बात की है कि आप अपने अंदर के कृष्ण को जगाएं, यानी कि कृष्ण वास्तव में है क्या? कृष्ण वास्तव में श्रद्धा है, आपका आत्मविश्वास है, आपकी आत्मशक्ति है, तो इसे आप जगाएं। और जब भी किसी को कोई परेशानी होती है जी, तो पूरे श्रद्धा भाव से डेफिनेटली निर्भया को याद करें, निर्भया आपके साथ में हमेशा हर कदम पर तैयार रहे। सुनीता जी, और हर महिला के लिए हम लोग संकल्परत है कि हर महिला के लिए हर क्षण हर आखिरी सांस तक हम लोग उनके लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल। तो जब भी किसी को कोई परेशानी हो तो प्लीज हमारी हेल्पलाइन नंबर 100 नंबर 112 नंबर, महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 और हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8716868200 पे जरूर संपर्क करें। एक बात पर मैं बोलना चाहूंगी आपके टीम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को, कि पिछले वर्ष भी कोरोना के अंदर ही कृष्ण ने जन्म लिया था और इस बार भी कोरोना में जन्म लिया है, मतलब लेने ही वाले हैं 12 बजे हमारे बीच में जी। तो बिल्कुल हमें उसी प्रकार से अनुशासन रखना है और ऑनलाइन ही ईश्वर के दर्शन करने हैं। और अगर कहीं आप दर्शन करने भी जा रहे हैं तो प्लीज कोशिश ये रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क जरूर लगा कर रखें, ताकि कृष्ण जन्म ले और इस कोरोना को भी जड़ से मिटा दे। आप सभी को कृष्ण में जो कृष्ण जन्माष्टमी की, कृष्ण के जन्म के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से जन्माष्टमी हमारे लिए बहुत सुखद और बहुत शानदार शुभ संदेश लेके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता जी, सुनीता जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हाँ बिल्कुल सुन पा रही हूँ। सुनीता जी, नीति और कुनीति के बीच में जब आप बहुत बार उलझ जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? वर्तमान में आपके मन के कृष्ण क्या कहते हैं कि जब आप देखती हैं कि ये उलझन है उसको कैसे सुलझाएं? कोई ऐसा उदाहरण हमारे सामने जो आपके जीवन में घटा हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जीवन में मेरे जो नौकरी को लगभग 20 साल पूरे हो गए हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई ऐसे मौके आए हैं हम लोगों की, कम से कम पुलिस वालों के पास में तो कई ऐसे मौके सभी के पास में आते हैं, जब ब्लाइंड मर्डर हो गया होता है, कोई ब्लाइंड घटना घटित हो जाती है जिसमें हमें पता नहीं होता कि कौन है सामने वाला, और उस स्थिति में कहीं ना कहीं हमारा जो आत्मविश्वास है जब वो डगमगाने लगता है तो एक उम्मीद की किरण लेके ये कृष्ण रूपी जो श्रद्धा भाव है, ये आत्मशक्ति है, यही कहीं से अवतरित होती है। और निश्चित रूप से कई बार एहसास होता है कि वास्तव में ऐसी कोई शक्ति है जो कि हमें मदद करती है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा ही शक्ति है जी जी। और श्रद्धा भावना से आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब आदमी के मन में ख्याल आए कि सब कुछ खत्म हो गया है तो उस समय कम से कम उसे ऊपर वाले पे जरूर विश्वास करना चाहिए। कृष्ण वो शक्ति है कि अगर आपने उस पर मन से विश्वास किया तो आपकी हर परेशानी का निस्तारण जरूर से जरूर होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण की भक्ति में तमाम
दुनिया भर के लोग, देश के, दुनिया के बड़े बड़े लोग जब एक समाधान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, उनकी नीति, उनके नियमों की व्यवस्था को देखते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण एक समाधान की तरह नजर आते हैं और लगता है कि यही समाधान का सबसे सशक्त मार्ग है और इसी मार्ग पर बढ़कर समाधान और मोक्ष और शक्ति और दुनिया के तमाम अनुभवों को अर्जित किया जा सकता है। और इस समय हमारे साथ हमारे मेहमान नारायण बारेठ, सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार जुड़ चुके हैं। नारायण बारेठ जी, स्वागत है आपका एमकेएन पर। जी नारायण बारेठ जी, बहुत लंबा अनुभव और विलक्षण अनुभव आपके साथ है, अनन्य देशों की यात्राएं की हैं, बहुत सारी कहानियां आपने देखी हैं, उनको सुलझाया है। भगवान श्री कृष्ण, जन्माष्टमी मनाई जा रही है, एक विचार है, क्या है कृष्ण, आपसे जानना चाहते हैं वर्तमान में क्या है कृष्ण आपके मन में? हिंदुस्तान की सरजमी पे तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, राम, शिव और श्री कृष्ण। राम हमें मर्यादा देते हैं, शिव हमें उन्मुखता देते हैं और श्री कृष्ण हमें मैनेजमेंट, प्रबंधन, कौशल देते हैं। श्री कृष्ण हमारे वो, हमें वो पाठ पढ़ा गए हैं जो न केवल भारत, भारत के बाहर भी उनकी शिक्षा और उनके कथन को याद किया जाता है। महर्षि अरविंद ने संसार की चार प्रमुख घटनाएं बताई है जिन्होंने इतिहास से प्रभाव डाला है जी। और उसमें से एक घटना है जिसके लिए महर्षि अरविंद कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद एक ऐसी घटना थी जिसने सारे संसार को सकारात्मक तौर पर प्रभावित किया है। श्री कृष्ण भारत को जोड़ते हैं, श्री कृष्ण भारत को मिलाते हैं। अगर वो मथुरा में है तो द्वारका में भी है, वो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। रेगिस्तान बियाबान है लेकिन मीरा श्री कृष्ण से पहचानी जाती है और मीरा के पद न केवल राजस्थान में बहे जाते हैं, जब वो श्री कृष्ण की स्तुति करती है वो आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर भी सुनाई देते हैं और कर्नाटक में भी सुनाई देते हैं। जब सुबालक्ष्मी कहती है कि मेरे सबसे प्रिय भजन मीरा के भजन है, तो मीरा श्री कृष्ण ऐसी इतनी चीजंतियां और कहानियां है जो श्री कृष्ण के जरिए संसार को जोड़ती है, भारत को जोड़ती है। श्री कृष्ण का जो मौजूदगी है वो आपको आसाम में भी मिलती है, वहां तक उनका विस्तार और फैलाव था। श्री कृष्ण हमें ये पाठ भी पढ़ाते हैं, आज के दौर में सवाल पूछना बुरा माना जाता है, सवाल पूछने से प्रभावशाली लोग नाराज हो जाते हैं जी। लेकिन श्री कृष्ण का व्यक्तित्व, उनकी जीवन गाथा हमें बताती है कि अगर सवाल नहीं होता तो संसार के हाथ में गीता जैसी पुस्तक नहीं होती। अर्जुन सवाल पूछते हैं और श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण हमें बहुत कुछ दे गए हैं जो जनमानस को प्रभावित करती है। बच्चे बच्चे की जबान पे है, एक अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है और एक विश्वविद्यालय कुलपति भी श्री कृष्ण की शिक्षा को समझ सकता है जी। इतना व्यापक क्यों है कृष्ण? पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग जब उनको समझना चाहते हैं तो उनमें लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, क्यों है ये? श्री कृष्ण ने जो हमें, वो एक मैनेजमेंट गुरु भी थे, वो महिला अधिकारों के प्रवक्ता भी थे। जब उस भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान होता है, श्री कृष्ण उनकी पैरवी के लिए प्रकारांतर से आते हैं और एक इतिहास रचा जाता है। श्री कृष्ण पैरोकार है महिलाओं के भी, उनको प्रतिष्ठा देते हैं, उनको एक उनकी रक्षा का वचन देते हैं। वो अमीर गरीब की खाई भी पाटते हैं। जब कोई सुदामा उनके दरबार में हाजिर होता है और गुहार लगाता है, श्री कृष्ण अपने बाल गरीब सखा के लिए दौड़े चले आते हैं। ये हमें एक पैगाम देता है जो भी किसी भी संसार के हिस्से में सत्ता में है, सिंहासन पे है, कि आप किसी ऊंचे ओहदे में पहुंच जाए तो अपने साथियों को, अपने गरीब निर्धन मजलूम दोस्तों को न भूले। तो श्री कृष्ण एक समाजवाद का संदेश भी देते हैं कि वो अमीर गरीब के लिए है, बराबर है, उनमें प्रेम है, भक्ति है, वियोग है, सात्विकता है, एक दर्शन है। वो गीता के जरिए जब कहते हैं कि कर्म कीजिए यानी अपने कर्तव्य पे जोर दीजिए, तो लोकतंत्र के दौरान हमें बहुत सारी बातें उनसे मदद मिलती है। डॉक्टर लोहिया जी जब समीक्षा करते हैं धर्म की, रामनो लोहिया समाजवादी चिंतक, तो वो द्रौपदी को बहुत अच्छे तरीके से महिमामंडित करते हैं और वो कहते हैं कि वो पहली महिला थी जिन्होंने अन्याय का प्रतिकार किया, खड़ी हुई जी। उसी
के पक्ष में श्री कृष्ण खड़े मिलते हैं। श्री कृष्ण ही भारत है, राम भारत है, शिव भारत है, इन तीनों को मिलाकर के आप एक ऐसे समाज की रचना करते हैं जो कर्तव्य पे जोर देता है, जो आपके फर्ज पे अवलंब देता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नारायण भारत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्री कृष्ण कितने व्यापक हैं, कितने सर्वोच्च हैं और लोकनायक हैं कि जब समस्या बहुत बड़ी हो जाती है और समस्या को सुलझाना है और उसके लिए आध्यात्मिक, बौद्धिक और तमाम तरह की शक्तियों का प्रयोग करना है, तब श्री कृष्ण इतने व्यापक हैं। मैनेजमेंट गुरु के रूप में नई पीढ़ी में उनको पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है। इतने व्यापक भगवान श्री कृष्ण, लीलाधर अनेकों अनेक नाम से दुनिया के कोने कोने में विख्यात, और जब उनको समझने के लिए उनके भक्त उनके नज़दीक जाते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं, तो उनके प्रेम में सराबोर हो जाते हैं और इसी प्रेम से सराबोर सारी दुनिया उनकी भक्ति में लीन। रोज जन्माष्टमी जैसे पर्व का आनंद लेती है, क्योंकि कृष्ण के भक्तों के लिए, जो भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं, उनके लिए रोज ही जन्माष्टमी है, उनके लिए रोज ही भगवान श्री कृष्ण को समझना एक त्योहार है, एक उत्सव है, एक पर्व है, और उनकी भक्ति एक ऐसा सुखद आनंद है। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान सरकार में कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त शासन सचिव पंकज ओझा जी। पंकज ओझा जी, स्वागत है आपका एमकेएन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्रिशूल जी। पंकज ओझा जी, आपने तो इतनी गीता के ऊपर तमाम तरह के प्रबंधन को लेके बहुत सारे जर्नल्स लिखे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, कैसे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को? भगवान कृष्ण इस जगत को सन्मार्ग पर लाने के लिए, एक नई राह दिखाने के लिए और निराश में डूबे हुए मानव को नया जीवन देने के लिए उन्होंने भगवत गीता के रूप में अपने ढेर सारे उपदेश हमारे लिए रख छोड़े हैं। और यदि हम उनके कहे अनुसार चलते हैं, मानव मात्र से प्रेम करते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान रखते हैं और फल की चाहना किए वगैरह यदि हम कर्म करते हैं, तो हम अपने जीवन को बहुत ही सरल सुंदर बना सकते हैं। ये जो विचार है, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं, इस विचार में क्या संदेश है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? ये शरीर का चोला है जो बदलता रहता है वस्त्रों की तरह, आत्मा न जन्मती है ना मरती है, ना उसे अग्नि जला सकती है ना पवन उसे भिगो सकता है। अतः अच्छा है कि जिस उद्देश्य से जन्म लिया गया है, हम अच्छे कार्य करें, परमात्मा के मार्ग में सन्मार्ग पर रहें और सदगति के लिए, मोक्ष के लिए कार्य करें, जिससे कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में भक्ति मार्ग बताया है, कर्म मार्ग बताया है, ज्ञान मार्ग बताया है, जो भी मार्ग जिसे अच्छा लगता है उसे चुन करके अपने परम उद्देश्य की ओर वो गतिमान हो सके, ये मार्ग भगवान कृष्ण कहते हैं। आपके मन में कृष्ण क्या कहते हैं वर्तमान में, जब आप देखते हैं तमाम नीतियों को, अनीतियों को और बहुत सारी उलझनों को, तो क्या कहते हैं वर्तमान में आपके मन में कृष्ण? जब मैं सारे जगत की समस्याओं को देखता हूँ, हर जगह होती मारकाट को देखता हूँ, स्वार्थों को देखता हूँ, वासनाओं को देखता हूँ, लिप्साओं को देखता हूँ, फरेब होते हुए देखता हूँ, तब मैं ये सोचता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जो हमें सन्मार्ग बताया है कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, और साथ ही गीता में उन्होंने जो सत्कर्म बताया है, सतोगुण बताया है, इस प्रकार की ढेर सारी व्याख्याएं उन्होंने गीता में दी है। यदि व्यक्ति उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलता है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को कहते हुए वो गीता में ये बताते हैं कि जो सब में मुझे देखता है, मुझ में सबको देखता है, वही सही देखता है। लास्ट में वो गीता में अर्जुन को ज्ञान देते हुए ये भी कहते हैं, तू मुझ में मन वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर, फिर तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, तू सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा। इस प्रकार के जब वो उपदेश देते हैं और हम उनके इस मार्ग पर अगर चलते हैं
और सभी लोग अगर उनके इस मार्ग पर चलें, जो प्रेम का, जो स्नेह का, जो माधुर्य का भाव उन्होंने हमें दिया है, साथ ही दुष्टों को दंडित करने का भी मार्ग उन्होंने हमें दिखाया है, अगर हम उस पर चलते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन, परिवार, समाज, कुटुंब, देश और इस विश्व को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। एक ऐसा श्लोक और उसकी व्याख्या जिससे इस वर्तमान को और बेहतर बनाया जा सकता है आपके द्वारा? भगवान कृष्ण ने अनेक चीजें हमें समझाई है, लेकिन उनके स्वरूप को यदि हम बहुत अच्छे से देखें तो वो जहाँ सुदर्शन चक्रधारी भी हैं एक उंगली पर चक्र को धारण करते हुए दुष्टों को दंड देते हैं, तो वो दूसरे तरफ अपने दूसरे हाथ में मुरली को भी थामे हुए हैं। यानी ये एक विशिष्टता है, विलक्षणता है कि दो विपरीत भावों को पकड़े हुए हैं। वो ये संदेश देते हैं कि जो दुष्ट है, जो अनीति पर है, जो अधर्मी है, वो धर्म का चोला पहन करके आए हैं, उन्हें भी यदि आप जगत का कल्याण चाहते हैं तो शस्त्र धारण करके, जिस भी प्रकार का शस्त्र आप प्रयोग कर सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, उनको दंडित करना भी हमारा दायित्व बनता है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव, परंतु साथ ही हमें जगत में स्नेह, प्यार, ममता, करुणा, भातृभाव, मैत्री, इन सबको भी साथ साथ बढ़ाना होगा। ये दोनों विभिन्नता लिए हुए संदेश एक साथ वो देते हैं, ये उनकी विलक्षणता है। युवा पीढ़ी में मैनेजमेंट गुरु के रूप में उनको देखा जा रहा है और समझा जा रहा है, युवा पीढ़ी को एक संदेश मिल रहा है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए श्री कृष्ण बहुत बड़ा संदेश है। युवा पीढ़ी के लिए भगवान कृष्ण का सीधा सीधा संदेश है कि कभी भी कैसी भी विकट स्थिति हो, आप स्ट्रेस में ना आए। महाभारत के युद्ध में खड़े हुए भी वो क्षीण मनोबल हुए अर्जुन को न सिर्फ मोटिवेट करते हैं बल्कि तनाव प्रबंधन की ढेरों तकनीकें समझाते हुए संपूर्ण महाभारत होने के बाद भी वो मुस्कुराते हुए उससे बाहर आ जाते हैं। ये उनकी श्रेष्ठ शिक्षा है नई पीढ़ी के लिए कि प्रकृति के साथ जुड़िए और कैसी भी स्थिति हो उसमें से मार्ग निकालिए, संतुलित रहिए, अपना कर्म करिए और प्रसन्न रहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज ओझा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ एक मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, गोविंद पारिक जी, एडिशनल डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार। गोविंद पारिक जी, स्वागत आपका एमकेएन पर। नमस्कार त्रिशूल जी, धन्यवाद आपको। गोविंद पारिक जी, बहुत सारे जगह आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कई सेमिनारों में जाते हैं, कई चिंतनों, कई बैठकों में जाते हैं, युवा पीढ़ी से लेकर तमाम समाज संगठनों में संदेश देते हैं, कैसे देखते हैं, क्या है कृष्ण? देखिए, आज जन्माष्टमी पर्व अगर सही मायने में कहा जाए तो भारतीय संस्कृति के सबसे चमकते सितारे योगीराज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरा विश्व हर्षोल्लास के साथ आज जन्माष्टमी के पर्व को मना रहा है। मेरा मानना है कि कृष्ण एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने एक ऐसा मामला जिसने कालखंड को अपने इशारों पर रचाया, जिन्होंने शांति की, अगर हम सही कह रहे, शांति की भूमिका लिखी, युद्ध की पटकथा भी लिखी, जिन्होंने गीता का ज्ञान भी दिया और अगर कहीं कहें तो अनेक लीलाओं के साथ में कृष्ण ने भारतीय जनमानस को प्रभावित किया। और एक जैसे वैसे कहने में भगवान विष्णु का आठवां अवतार उनको कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि 16 कला से परिपूर्ण है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो कृष्ण को एक युग दृष्टा, एक संपूर्ण व्यक्तित्व, एक योगीराज, योगेश्वर, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका बाल्य जीवन अगर हम देखते हैं तो बहुत चंचल बाल्यकाल उनका, किशोरावस्था देखते हैं तो अत्यंत पराक्रमी किशोरावस्था, जिन्होंने कंस को उन्होंने मल्ल युद्ध में पराजित किया और अनेक पराक्रम के उन्होंने कार्य किए किशोरावस्था में। और एक शिष्य के रूप में देखते हैं तो संदीपन ऋषि के एक समर्पित शिष्य के रूप में अल्प समय में उन्होंने अगर कहें तो वेद और उपनिषदों का ज्ञान अर्जित किया। आत्मीय सखा भी है, गोप और गोपिका सबके आत्मीय सखा वो जीवन पर्यंत रहे, एक विश्वसनीय मित्र रहे, अंतिम क्षण तक अपनी मित्रता को भूला नहीं, और वो चाहे सुदामा की बात हो या दूसरे मित्रों की बात, और एक प्रचंड योद्धा का रूप भी कृष्ण का हम देखते हैं, जिन्होंने जरासंध को पराजित किया, अनेक युद्ध उन्होंने जीते अपने साथ में। तो एक दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ थे कृष्ण, जिन्होंने कूटनीति की, महाभारत में हम देखते हैं कि कृष्ण की कूटनीति ही थी जिसमें महाभारत के परिणाम को उन्होंने एक तरह से प्रभावित किया। बहुत चतुर रणनीतिकार के रूप में कृष्ण को ले सकते हैं, जिनकी रणनीति हर क्षेत्र में चाहे बाल्यकाल से लेकर के अंतिम समय तक द्वारिका के से लेकर के हर जगह एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में उन्होंने शानदार कार्य किया।
और अगर हम उनको एक विलक्षण ज्ञानी, इन्होंने गीता का ज्ञान दिया जी, जो है ऐसे ही गीता का ज्ञान जो पूरे विश्व को वेद और उपनिषदों का निचोड़ के रूप में, अगर जिसे कहा जाए कि वेद और उपनिषदों का एक तरह से वो थुक जाए, इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का उन्होंने हमें उपासना का तरीका बताया, जीवन को जीने का तरीका, जीवन को सफल होने का तरीका उन्होंने बताया। तो कृष्ण को एक मानवीय प्रशासक के रूप में भी लेते हैं, जिन्होंने द्वारिका को स्थापित किया और द्वारिका को एक अच्छा प्रशासन उन्होंने दिया। और मैं सही मायने में कहूं तो कृष्ण एक महान योगी थे, जिन्होंने हर तरह का योग भारतीय जनमानस को दिया, और आज कृष्ण के उसी योग को चल करके हम अगर सनातन परंपराओं में देखें या वैदिक परंपराओं में देखें तो कृष्ण के उस योग से हम, चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, इस इन योग के माध्यम से हमारे जीवन के लक्ष्य को अर्जित किया जा सकता है। दुनिया भर की जो युवा पीढ़ी है वो कृष्ण की ओर आकर्षित है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि युवा पीढ़ी के लिए कैसे बताया जाए कि कृष्ण क्या है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल यही कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से कि अगर कृष्ण के जिस स्वरूप की इस समय चर्चा होती है कि कृष्ण ने रासलीलाएं रचाई गोपियों के साथ में, कृष्ण ने चीरहरण किया, या कृष्ण ने वो कुछ और इस तरह की जो एक विचित्र कहानियां कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, कई चीजें ऐसी है जो कपोल कल्पनाओं पर आधारित है, हालांकि इन कपोल कल्पनाओं के साथ में भी कुछ पौराणिक विद्वानों ने अपने अपने संदेश दिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर कहते हैं कि अगर कृष्ण की माखन चोर कृष्ण को बताया गया है, तो वहां ये कह दिया गया है कि कृष्ण एक तरह से समाजवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे, जो चाहते थे कि स्थानीय स्तर पर लोग पुष्ट और संतुष्ट रहे। जी, तो जी। इस तरह का ये नहीं कि अगर वो माखन सारा बाहर जा रहा है मथुरा में और वहां के बाल गोपाल बिना माखन के रह रहे हैं, तो उन्होंने एक संदेश दिया। चीरहरण की बात कर रहे हैं तो वहां ये भी कह रहे हैं कि वो नग्न होकर के जब तालाब में स्नान कर रही है, तो एक वैदिक संदेश था कि नहीं, वो एक थोड़ी सभ्यता के साथ में होना चाहिए जी। क्या और जगह, बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ भी कपोल कल्पनाएं हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ लोगों ने अपनी धारणाएं जोड़ करके संदेश दिया, लेकिन मेरा मानना है कि कृष्ण एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में अगर युवा वर्ग लेगा, तो उस युवा वर्ग संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण को प्रबंधक के रूप में लेगा, तो सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन कृष्ण का है, हर स्थान पर है, कूटनीति है, रणनीति है, और ज्ञान है साथ में जी। और ज्ञान अगर आज की युवा पीढ़ी के साथ में है, तो जीवन की किसी भी सफलता को अर्जित करने में वो कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद पारेख जी एमकेएन के साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण की लीलाएं अनवरत जारी रहेंगी और लगातार उनकी व्यापकता सर्वोच्च सर्वव्यापी होती रहेगी, और इसी सर्वव्यापकता में कहीं ना कहीं लोगों को भगवान श्री कृष्ण से जुड़कर समाधान मिलते रहेंगे। एमकेएन के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एमकेएन।